स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके। ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइंग टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, बजाज आलियांस और शुगर फ्री डिलाइट। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे मैनेज कैसे करें। म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवास पर। योर मनी के प्रायोजक है एपिक अल्टिमा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। दोबारा आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन के बारे में, पोल्ट्री फार्म खोलने के बारे में और आपका फार्म खुलवाने में मदद कर रहे हैं हमारी आज विंकीज इंडिया लिमिटेड के MD वेंकटेश्वर राव। राव साहब, दोबारा आपको बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक से पहले हमने कई बातें की कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए पड़ सकता है, कितनी मुर्गियों के साथ एक पोल्ट्री फार्म शुरू किया जा सकता है। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अंडे तो सभी बेच रहे हैं, क्या प्राइसिंग का भी कोई फंक्शन होता है यहाँ पर? किस तरह से ये तय किया जाता है कि कितने में अंडों को बेचा जाए? अभी इंडस्ट्री के ऊपर मैडम, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ब्रांड, मैं इंडस्ट्री के ऊपर, फॉर एग्जांपल माय रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन सिस्टर जो है नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन है, वो जो अध्यक्ष है कि जितने भी लाखों फार्मर्स है इंडिया में लेयर इंडस्ट्री के, उनके अध्यक्ष है और जो डिक्लेयर करते हैं एग्स, वो मिलके डिक्लेयर करते हैं अंडे का रेट, और ये रेट डिक्लेयर कौन सा ही कंट्री में नहीं होता है ये प्रकरण। और मेरे ख्याल से जो इंडिया में जो नेटवर्क है हर स्टेट में, हर तालुका में, हर एरिया में, कि हर के सुबह से लेकर शाम तक कोऑर्डिनेशन करके अंडे का डिक्लेयर होता है, ताकि आम फार्मर, गरीब फार्मर को अच्छा प्राइस मिले और उसको इनकम अच्छा मिले। तो ये कोई यू नो, मेरा कहने का मतलब है कि बीच लोग जो कोई भी फायदा नहीं उठाना चाहिए इसका, और रेट्स स्टेबलाइज रहे और इनकम बेसिकली अंडे का गरीब फार्मर को ठीक से मिले, एंड इससे बहुत फायदा होता है ये NECC नेशनल एग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ये जाहिर तौर पर एक मुर्गी की सेहत के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका बाजार में जा रहा है, चाहे फिर वो अंडा हो या फिर वो खुद मुर्गी हो जिसको बाजार में आप बेचते हो। ये बताइए कि मुर्गियों की देखभाल पर किस तरह के निवेश की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से मुर्गियों की देखभाल की जा सकती है? 24/7 150 वेटनेरियंस, 500 वेटनेरियंस मैं तो बोलूं इंडिया में है, जहां फ्री सर्विस दे रहे हैं और वो कभी भी ईमेल आईडी मोबाइल पे अवेलेबल है, कौन सा ही फार्मर जाके उनको फोन कर सकता है, वो फार्मर फार्म पे आ जाते हैं और वो पूरा एडवाइस देते हैं आपको कि कैसा रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, कितना आप खाना देना चाहिए, कितना मेडिसिन देना चाहिए, कितना एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स देना चाहिए, आप उसको लाइट कभी रखना चाहिए नहीं रखना, लाइटिंग क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। राव साहब, क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि मुर्गियों में आमतौर पर किस तरह की बीमारियां होती हैं, और अगर उन्हें बीमारियां हों तो उन्हें किस तरह से इन बीमारियों से बचाया जाता है? प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैडम, अगर आप लोग ओवर एक्सपांशन नहीं करेंगे, आप लोगों को क्लीन रखेंगे, आप लोग जो कॉलेज एडवाइस करता है कि जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं हमारे, अगर उनके सुनेंगे तो मेरे ख्याल से मिनिमम का मिनिमम प्रॉब्लम होगा। आप लोग अगर क्लीन ही नहीं करेंगे शेड्स, अगर आप लोग 10,000 की जगह 20,000 मुर्गियां पालते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम होना ही होना है आपको। आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, आप एक लिस्टेड कंपनी है और आप इस बिजनेस को इतने करीब से समझते हैं, आप इस बिजनेस में एक मेंटोर के तौर पर आज हमारे दर्शकों से बात भी कर रहे हैं, आपसे किसी तरह की मदद मिल सकती है क्या पोल्ट्री के बिजनेस में, अगर मैं अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहूं तो? हमारे पास 150 ऑफिसेज है इंडिया में, हर तालुका में, हर सिटी में, वेयर बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स या मैनेजर्स हमारे हैं, जहाँ के आपके आपके जो फार्मर्स है, लेयर बोलिए, जो ब्रॉयलर बोलिए, वहाँ जाके आप लोग इंडिविजुअली जो कैपेसिटी है उनका, वहाँ जाके बात कर सकते हो लोग,
और वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहाँ कंप्यूटर्स में फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड इट इज टेलर मेड प्रोग्राम। सो आपको अगर 10,000 का स्टार्ट करना है, 20,000 का स्टार्ट करना है, या व्हाट यू आर लुकिंग एट इनकम, आपकी जमीन कितनी बड़ी है और आपको कैसे करना है, तो हम टेलर मेड प्रोग्राम करके सकते हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है हम लोग बैंक को आके आपको यू नो वी कैन हेल्प यू फॉर फाइनेंस ऑल्सो एंड फ्रॉम द बैंक ऑफकोर्स टू अवेल द फाइनेंस और हम लोग यू कैन स्टार्ट योर ओन पोल्ट्री। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप हमें अपने सुझाव या अपने सवाल भेज सकते हैं smallbiz@network18online.com पर। इसके अलावा फेसबुक पर आवाज एंटरप्रेन्योर की अपनी कम्युनिटी है, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम अक्सर आपके सवालों के जवाब देते भी हैं और वहां पर हम कई डिस्कशंस भी करते हैं, कई चर्चाएं करते हैं, आप उनमें हिस्सा भी ले सकते हैं। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आवाज एंटरप्रेन्योर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं ऑरा एनिवर्सरी सेल। पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल है ये समझना कि उसे